पनवेल महानगर पालिका नगर परिषद से महानगर पालिका में रूपांतरित होने के बाद पहली बार चुनाव के लिए तैयार है और इस चुनाव के लिए 24 मई को मतदान होने हैं। क्षेत्रीय कामगार पक्ष पनवेल शहर को स्वच्छ विकसित बनाने की दिशा में सदैव कार्य करती रही है। पनवेल महानगर पालिका चुनाव ये एक अवसर है नागरिकों के लिए अपने विकास और समस्या के निवारण के लिए बेहतर सत्ता चुनने का, और क्षेत्रीय कामगार पक्ष अगाड़ी से बेहतर विकल्प पनवेलकरों के पास कोई और नहीं। माननीय विवेक पाटिल ने भाजपा के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए शेखाप अगाड़ी जनता के लिए बेहतर कल देने के लिए सक्षम होने की बात स्पष्ट की। कामगार पक्ष और कांग्रेस और राष्ट्रवादी और रिपब्लिकन सेना का हमारा आघाड़ी है और आघाड़ी की तरफ से हम लोग इलेक्शन लड़ाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि 10 साल में जो बीजेपी वाले ने यहाँ कामकाज किया उसके ऊपर बहुत नाराजी है। अभी जो फंडामेंटल जो राइट्स लोगों के हैं उसमें भी कुछ काम किया ना, जैसे पीने का पानी है, सफाई है, उसके बाद में ट्रैफिक कंजेशन है, ये सारे सेगमेंट में लोग बहुत पीछे पड़े। अभी देखेंगे तो आप पनवेल नगर परिषद जो बीजेपी की में अंडर में थी वो पनवेल नगर परिषद 170वां नंबर लग गया उसमें सफाई के स्कीम में, और अपने पार्टी के ताबे में रहने वाली पंचायत समिति 2nd नंबर पर आई। तो ये डिफरेंस यहाँ दिखता है। और करप्शन के बारे में बहुत सारे लोग आगे हैं, जैसे आप देखेंगे तो पनवेल नगर परिषद का CEO और पनवेल नगर परिषद का चीफ अकाउंटेंट और एक सीनियर इंजीनियर, ये ACP ने लाल पुष्पक डिपार्टमेंट ने उनको रंगे हाथ पकड़ा था और उसको अरेंज भी किया। उनके करप्शन के बहुत सारे मुद्दे हमने इस इलेक्शन में लिए और उसी के साथ हम क्या करने वाले वो भी हमने लिया। हम ये पनवेल महानगर पालिका देश की 1 नंबर की महानगर पालिका बनाना चाहते हैं। पीने का पानी का जो प्रॉब्लम है सभी नगर महानगर पालिका में रहने वाले लोगों को 24 आवर्स पानी मिलेगा और क्लीन पानी मिलेगा, ऐसा स्कीम हमने बना के रखा है। ये सफाई का काम बहुत मॉडर्न साइंटिफिकली कर किया जाएगा और उसी के साथ ट्रैफिक कंजेशन का सर्वे भी किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है तो सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ रहता है वो एजुकेशन का। आप देखेंगे कौन से भी महानगर पालिका एरिया में आप देखेंगे तो करीबन 70% लोगों का एडमिशन का पढ़ाई का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एडमिशन नहीं मिलती है, मिलेगी तो डोनेशन नहीं फॉरवर्डता है, डोनेशन दिया तो फीस नहीं फॉरवर्डती है। ये जो प्रॉब्लम लोगों का है वो प्रॉब्लम 100% हम सॉल्व करेंगे। 12th तक हम लोग CBSE का सिलेबस के स्कूल खुद के स्कूल चालू करेंगे और प्राइवेट स्कूलों का जो भी स्टैंडर्ड है एजुकेशन का होएगा, उसके साथ साथ जो बिल्डिंग का होएगा, बाकी सब इसका होगा, वो प्राइवेट स्कूलों के उतने स्टैंडर्ड के स्कूल हम बना के रखेंगे क्योंकि लोगों को बच्चों के पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हम काम करेंगे।